हेलो दोस्तों और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो दोस्तों एन डी टू की वैकेंसी निकाल दी गई है पूरी डिटेल्स हम इसके बारे में बात करेंगे इसकी जो वैकेंसी निकाली जाती है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यानी कि यू द्वारा निकाली जाती है आप देख सकते हैं कि यू नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी एग्ज़ाम टू दो हज़ार एडवर्टाइजमेंट नंबर टेन ऑब्जेक्ट दो हज़ार चौबीस एन डी ए टू शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन ये आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है और हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट जो दिया गया है इसमें अप्लाई करने के लिए आपको पंद्रह मई से अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है और आपको चार जून तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें देखिए पेमेंट के लिए चार जून डेट दिया गया है करेक्शन के लिए पाँच ग्यारह ग्यारह ग्यार जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि पाँच से लेकर एक एक ग्यारह जून तक इसमें कोई करेक्शन हो जाता है तो करेक्शन कर सकते हैं एग्ज़ाम आपको अक्टू सितंबर में लिया जाएगा एक सितंबर को एक नौ दो हज़ार चौबीस को एग्ज़ाम लिया जाएगा मात्र इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल ओ को सौ लगेंगे एस सी को कोई को पेमेंट यहाँ पर पे देने की ज़रूरत नहीं है अब देखिए इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यू पी एस सी एन डी ए टू एलिजिबल यहाँ पर आर इसमें कई इसमें जैसे आर्मी की वैकेंसी भी रहती है और एयरफोर्स नेवी तो इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए टेन प्लस टू अब पास हैं ठीक है एयरफोर्स के लिए आर्मी के लिए टेन प्लस टू मांगा जा रहा है लेकिन एयरफोर्स और नेवल विंग्स के लिए टेन प्लस टू के साथ साथ फिजिक्स और मैथ भी होना चाहिए तो अब इसमें अप्लाई करेंगे देखिए कैंडिडेट का उम्र की बात करें हम तो दो जनवरी 2006 के बाद का जन्म उनका होना चाहिए कैंडिडेट नॉट बी बर्न बिफोर यानि कि 2006 के पहले का उनका जन्म नहीं होना चाहिए अब इसके बाद कैंडिडेट नॉट बर्न आफ्टर यानी कि 2019 2000 यदि उनका उम्र 2010 से स्टार्ट हो रहा है तो वो नहीं भर सकते हैं एक एक 2009 के पहले होना चाहिए आप यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ पे हम डिटेल बात करते हैं पोस्ट जो निकाली गई है 400 चार पोस्ट निकाली गई है आर्मी के लिए दो सौ है नेवी के लिए बयालीस है एयरफोर्स के लिए एक सौ बीस है नेवल एकेडमी के लिए यहाँ पे चौंतीस पोस्ट निकाली गई है इसमें अप्लाई करने का सिंपल यहाँ पे तरीका है आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए फोन आपके पास एक होना चाहिए जिसमें आपको नंबर उसमें डालना पड़ेगा तो फोटोग्राफ्स होना चाहिए आपका तत्काल का फ़ोटो होना चाहिए सिग्नेचर होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए मैंने बता ही दिया कि कब से कब तक अप्लाई हो रहा है आपका इसके साथ साथ आपका देखिए फ़ोटोग्राफ्स इंस्ट्रक्शंस में दिए गए हैं कि जो फ़ोटो होना चाहिए दस दिन पुराना होना चाहिए दस दिन से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए उस पर देखिए आपको फ़ोटोग्राफ्स पे रिटेन में आपका नाम लिखा होना चाहिए और डेट जब खिंचवाते हैं फोटो तो नेम और डेट के साथ आपको उस फोटो पर आपको खिंचवाना है अप्लाई करने के लिए आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा वहाँ से भी जाके डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हैं